गाइस वेलकम बैक विद द स्पेशल ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है इसमें आज सबसे पहले शबे बारात है, तो सब लोग को शबे बारात मुबारक। और आज का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा शबे बारात के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ बनता है और ये दिन क्यों स्पेशल होता है और इस दिन हम लोग मतलब कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं अपने घर में हूँ और चलिए मैं अभी आप लोगों को लेकर के चलता हूँ अपने घर के अंदर और फिर वहाँ से मैं बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। तो गाइस फाइनली जैसे कि देख सकते हो मैं अभी अपने घर के अंदर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले जैसा कि देख सकते हैं ये मेरी आपी और क्या चीज़ बना रही है यहाँ पे, हलवा। कौन सा हलवा बन रहा है? चना दाल का हलवा बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बादाम है, बादाम का, ये बादाम ही कतली में यूज होगा। आप लोग नहीं जानते हो कि कतली क्या होता है। ठीक है, जनरली दो मिनट रुक जाओ मम्मी, कतली का यूज़ हम मतलब कि कतली बनेगा इस सबसे। ठीक है, कतली जो कि होता है वो सूजी का बनता है और हलवा चना दाल और चना दाल और बादाम मिलके बनता है ना। हाँ, चना दाल बादाम मिलके बनता है और एक बनता है दोस्ती रोटी। ठीक है, जो अभी अभी बनेगा मैदा का, वो भी आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पूरा बादाम जो कि हम पूरा काटे हैं बहुत मेहनत से, अभी पीसे हैं और अभी पूरा तैयारी चल रहा है यहाँ पर। आप लोगों को मैं मिलाता हूँ अपनी मम्मी से और शबे बारात के दिन क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे से अच्छा मेरी मम्मी एक्सप्लेन करके आपको बताने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मम्मी अभी पूरा प्रिपरेशन कर रही है और आप ही हैं यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले माइक देते हैं मम्मी को, एक सेकेंड। हाँ, मम्मी को माइक लगाना। तो बताओ मम्मी शबे बारात के दिन क्या होता है? हलवा कतली बनता है, दोस्ती रोटी। अच्छा, सब बन के फाथिया होता है। तो जैसा कि गाइस आपने सुना कि शबे बारात के दिन जैसे कि हलवा हो गया, कतली हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को आगे बताया था। ठीक है, ये सब बनता है और फाथिया होता है। और सबसे बड़ा बात जो कि शबे बारात के दिन मम्मी रात भर जागा जाता है, किताब पढ़ा जाता है, इबादत किया जाता है रात भर, इबादत किया जाता है। उसके बाद कब्रिस्तान जाया जाता है, वहाँ अगरबत्ती बत्ती जलाया जाता है, बड़े बुजुर्ग जो हैं उसको चादर उधर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब मम्मी से माइक लेते हैं और हम बात करते हैं अच्छे से। तो गाइस जैसा कि मम्मी का कहना ये था, ठीक है, कि शबे बारात जो होता है ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, मतलब कि पाक दिन होता है। इस दिन अगर आप जितना भी मतलब कि किताब पढ़ोगे, जितना इबादत करोगे, आपके लिए कम है, बहुत ही ज़्यादा जहन मतलब कि सवाब मिलता है। ठीक है, तो इस दिन को जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं जैसे कि मैं और मेरे जितने भी भाई, इस दिन को बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ हम लोग नमाज किताब करते हैं और रात भर मतलब कि जग करके हम लोग पूरा इबादत करते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा दुआ मिलता है और सबसे बड़ा बात गाइस कि इस दिन हम लोग रात जब पूरा पार हो जाता है तो भोर में हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं। मेरे दादा दादी और भी जिनके लोग हैं उन लोग के लिए मतलब कि दुआ पढ़ते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर प्रिपरेशन चल रहा है, मैं अभी आप लोग को आगे वाले वीडियो में दिखाऊँगा कि कतली कैसे बनता है और भी बहुत सारा चीज़ और घर में डेकोरेशन करने वाले। तो चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं अभी, बाय। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास तीन चार कलर का ट्यूनिंग लाइट है, यहाँ पे अभी लगना स्टार्ट हो चुका है। इंजीनियर अभिषेक कुमार हाथ ऐसे कर देंगे, ब्रो माइनिंग इंजीनियर इधर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोहित ऐसे, माइनिंग सरदार छोटा राकेश, और दिखा देगा फिर से कैमरा में नहीं आया, अपना एप्पल चमकाते हुए थोड़ा सा कवरेज में। हाँ ठीक है, अभी कंप्लीट हो रहा है। तो जैसा कि गाइस अभी हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से चलिए पहले ट्यूनिंग लाइट लगा लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि आप पहले लुक देख सकते हो मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप बताओ। ये स्पेशल शबे बारात का लुक है, ठीक है, और जो उस टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या बन रहा था तो फाइनली वो बन चुका है, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभिषेक मेरा कैमरामैन और मेरा भाई है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है रहा हमारा कतली जो कि सूजी का है।
ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये चना दाल का और जो बादाम था उसका ये हलवा है, और साथ ही साथ है ये हमारा मैदा का दोस्ती रोटी, ठीक है। ये सब का जो फातिया वगैरह था, फातिया उत्या हो गया, उसके बाद फिर मेरे दादा दादी का नाम से ये खाना निकला जिसको हम लोग कब्रिस्तान में दे दिए, ठीक है। और अब चलते हैं आप लोगों को लेकर के, जो हम अभिषेक, रोहित और राकेश जो कि मिल के डेकोरेशन किए थे वो अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए चलते हैं बाहर और वहाँ से दिखाते हैं आप लोग को हम। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा ओवरऑल व्यू, जो कि छोटा सा डेकोरेशन था यहाँ पे, ट्यूनिंग लाइट वगैरह जो कि राकेश अभिषेक लोग मिल करके और रोहित लोग मिल करके लगाया है। और इधर में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा मोमबत्ती, ठीक है, जो कि हम लोग लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मतलब कि यही छोटा छोटा डेकोरेशन ओवरऑल सभी के घर में होता है, और साथ ही साथ पटाखा वगैरह नहीं फोड़ा जाता, बट जो लोग बच्चे लोग होते हैं जो फोड़ते हैं, ऐसे शबे बारात के दिन पटाखा नहीं फोड़ा जाता है, लेकिन बच्चे लोग फोड़ते हैं तो कोई बात नहीं। और अभी रात पूरा बचा हुआ है, इस रात में भी हम लोग खाएँगे और उसके बाद अभी किताब वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाएँगे। तो अगर वहाँ पर पॉसिबल रहा तो मैं आप लोगों को वहाँ पर भी शूट करूँगा, जहाँ पर पॉसिबल बोलोगा मैं शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो चलिए मिलते हैं आगे। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टाइम है वो 3:43, सुबह का 3:43 हो रहा है, ठीक है। तो नमाज वगैरह हो गया हम लोग का, किताब उताब जो पढ़ना था वो सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और शबे बारात का जैसे आज जो है, आज हम लोग को रोज़ा रखना है, तो अभी जैसा कि अभी हम देख सकते हैं मैं अभी खाना पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आज हम लोग को शबे बारात का एक दिन का रोज़ा रखा जाता है, तो आज हम लोग अभी खाओ भी लिए, ठीक है। अभी सहरी कर लिए, अभी दतवन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अभी हम लोग नियत करेंगे, और उसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, अभी हम अपने कब्रिस्तान यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जितना भी जो काम था फाइनली हम लोग कर चुके हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये तो थोड़ा सा अभी दिन हो गया, 5 बजने वाला, नहीं तो अभी और भी बहुत ही ज़्यादा रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। तो गाइस अभी का सुबह का 6:30 बज रहा है, ठीक है। तो रात भर हम लोग शबे बारात में जो जो होता है वो पूरा किए, और आप लोग को वीडियो के थ्रू भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मम्मी लोग सब सो गई है, मैं अभी जागा हुआ हूँ क्योंकि मुझे लास्ट ब्लॉग शूट करना था। तो गाइस आज होली भी है, तो आप लोगों को हैप्पी होली सभी लोग को, और साथ ही साथ गाइस आप लोग होली को भी इन्जॉय कर, लेकिन भूलना नहीं है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपने हिसाब से काम करना है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है। और आप यहाँ तक अगर आप लोग को पहुँचे होगा तो आई थिंक आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी आपके सामने शो कर रहा है, वहाँ से भी जाकर मेरे को फॉलो करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो अभी के लिए बाय, जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं।